Hello students, in today's video we'll study the concept of coordination. Coordination का मतलब क्या है? Coordination का मतलब है तालमेल बिठाना different departments की activities में और individual के efforts में. Now how can we have coordination in a business? Let us take an example. एक business में तीन department है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट एज वेल एज फाइनेंस डिपार्टमेंट. जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने गुड्स की प्रोडक्शन की तो कॉस्ट आई गुड्स की प्रोडक्शन की 100 रुपीज. फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 20 रुपीज का प्रॉफिट मार्जिन सेट किया और प्राइस हो गया 120 रुपीज. नाउ इट वॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट टू मैक्सिमाइज देयर सेल एट दिस प्राइस. बट सेलिंग गुड एट द प्राइस ऑफ ₹120 वॉज क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि कंपेटिटर्स का वही अगर हम प्रोडक्ट देखे तो मार्केट में 120 से कम में अवेलेबल था. दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ पैनिक फॉर सेल्स डिपार्टमेंट. नाउ सेल्स डिपार्टमेंट अप्रोच फाइनेंस डिपार्टमेंट कि क्या हम इसका प्राइस कम करके 110 कर दें ताकि हमारी सेल्स मैक्सिमाइज हो सके. तब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बताया कि अगर हम 20 रुपीज का प्रॉफिट भी अर्न नहीं करेंगे तो शायद हमारे बिजनेस के लिए सर्वाइव करना डिफिकल्ट हो जाए. नाउ दे बोथ अप्रोच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और बोला क्या हम अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके इस कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेड लेट अस ट्राई. व्हेन ऑल दीज डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेटेड विद वन अनदर it became easy for the organization to ultimately achieve its organizational goals. Organization ke ultimate goal ko achieve karna hi management ka success decide karta hai. Now let us read the definition of coordination. The process, it is a process by which manager synchronize matlab ek business mein different activities ek hi time par ho rahi hain. पर आपको एज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पता होना चाहिए कि किस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है. इंटीग्रेट एंड यूनाइट मीन्स आपको इनकी एक्टिविटीज जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज हैं और जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं उनको इस तरह से जोड़ना है, इस तरह से उन्हें अंडरटेक करना है कि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो रहे हैं. इट इज अ फोर्स विच बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. We know that there are 5 functions of management. They are planning, organizing, staffing, directing, controlling. Coordination माला के उस धागे की तरह है जो इन सभी functions को जो कि मोती की तरह है उन्हें पिरो कर रखता है. We can see that coordination is acting as a thread. Sometimes it is considered as a separate function of management. कई बार कहा जाता है कि वाई टू आर 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, देर आर 6 फंक्शन एंड द 6th फंक्शन इज कोऑर्डिनेशन. बट वी कैन कंक्लूड दैट कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. ये मैनेजमेंट का सोल है और बिना सोल के जैसे बॉडी डेड हो जाती है उसी तरह से बिना कोऑर्डिनेशन के मैनेजमेंट इज ऑल्सो डेड. एज डिस्कस्ड कोऑर्डिनेशन इज एसेंस टू मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का सोल है. बिना तालमेल बिठाए चीजों को मैनेज करना डिफिकल्ट है. अब तालमेल 5 फंक्शन में हमें कैसे सेट करना है. लेट अस स्टार्ट विथ प्लानिंग. प्लानिंग इज सेटिंग गोल्स, ऑर्गेनाइजेशनल गोल सेट करना. लाइक अभी आपका गोल है कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, दैट इज योर अल्टीमेट गोल. पर इस गोल को अचीव करने के लिए आपको इंडिविजुअल गोल्स को भी अचीव करना है. इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में यू शुड स्कोर 95 और अबव सो दैट यू कुड हैव अ सीट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. यानी मेन गोल तक पहुंचने के लिए, मेन प्लान तक पहुंचने के लिए देर आर सपोर्टिव प्लान्स. प्लान्स क्या है? एक एक चैप्टर के लिए भी आप टारगेट बनाते हैं पूरा साल, फिर एक यूनिट के लिए आप टारगेट बनाते हैं, फिर एक बुक के लिए टारगेट बनाते हैं.
फिर एक सब्जेक्ट के लिए टारगेट बनाते हैं, और अगर डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आप प्रॉपर तालमेल नहीं बिठाओगे, मान लो एक सब्जेक्ट में तो 100 out of 100 आ रहे हैं और एक में 33 के लिए भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, देन वी वोंट बी एबल टू अचीव आवर मेन प्लान. देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मेन प्लान को सपोर्टिव प्लान के साथ कोऑर्डिनेट करें. कमिंग टू द सेकेंड फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग इन बिजनेस मीन लेआउट ऑफ अ बिजनेस, जहां पर हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, जहां बिजनेस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं. जब स्ट्रक्चर तय होता है तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय होती है. वेन वी एंटर एन ऑफिस, द वन हू इज हैविंग रिवॉल्विंग चेयर इज द चेयर ऑफ द बॉस. यानी ऑर्गेनाइजेशन में जाते ही अगर हम ऑफिस में एंटर करते हैं तो लेआउट से भी हम ये चीजें भाप लेते हैं कि ये सीट किसकी है, बॉस की सीट कौन सी है, चेयर कौन सी है. तो ऑर्गेनाइज होना बहुत इम्पोर्टेंट है. और ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं लेआउट सेट करने के लिए, उनके बीच में भी तालमेल का होना बहुत जरूरी है. रिसोर्स कौन कौन से हैं? फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्स. सबका आपस में तालमेल होना बहुत इम्पोर्टेंट है. अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी. किसको कितनी अथॉरिटी देनी है, वो कितना अकाउंटेबल होगा अपने काम के लिए, और अथॉरिटी के हिसाब से ही हमने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है. अगर हम अथॉरिटी से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे तो आपका वर्कर स्ट्रेस हो जाएगा, और अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कम देंगे और उसे अथॉरिटी ज्यादा देंगे तो मे बी ही विल मिस यूज. तो बैलेंस बिठाना, तालमेल बिठाना, कोऑर्डिनेशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. कमिंग टू स्टाफिंग, वी ऑल नो दैट स्टाफिंग इज पुटिंग राइट पर्सन ऑन राइट जॉब. तो अब आप अपने वर्कर को, अपने सबॉर्डिनेट को उसके स्किल्स के हिसाब से ही काम देंगे. सी व्हाट इज रिटन, स्किल पोजेस्ड एंड जॉब असाइंड. जो स्किल्स उसके पास हैं उसी के अकॉर्डिंग आप उसे जॉब असाइन करेंगे. तो आप उसमें भी तालमेल बिठाएंगे, कोऑर्डिनेशन रखेंगे. देन डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग मीन्स टू गिव डायरेक्शन, टू लीड, टू मोटिवेट, टू सुपरवाइज. इसमें सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. लास्ट इज कंट्रोलिंग. देयर शुड बी अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टैंडर्ड सेट एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस. हियर स्टैंडर्ड मीन्स ऑब्जेक्टिव्स. जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है, क्या आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस उसके हिसाब से है या नहीं है. योर रिपोर्ट कार्ड हेल्प्स एंड फैसिलिटेट कंट्रोलिंग. किस तरह से, अभी हमने एग्जांपल लिया कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना, पर दिल्ली यूनिवर्सिटी तक जाने के लिए हमें हर सब्जेक्ट में 95 अबव लेकर आने हैं. टारगेट सेट है हर सब्जेक्ट में 95, स्टैंडर्ड सेट है. अब आप अपनी परफॉर्मेंस के साथ उसे कोऑर्डिनेट करेंगे वेदर वी आर अचीविंग इट और नॉट. लेट अस रीड इट क्विकली. इन प्लानिंग वी हैव टू कोऑर्डिनेट मेन प्लान विद सपोर्टिव प्लान. इन ऑर्गेनाइजिंग वी हैव टू कोऑर्डिनेट रिसोर्सेज, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. स्टाफिंग, हेयर वी हैव टू कोऑर्डिनेट द स्किल पोजेस्ड बाय अ सबॉर्डिनेट एंड द जॉब असाइंड टू हिम. डायरेक्टिंग, सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन का एग्जिस्ट करना. कंट्रोलिंग, देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टैंडर्ड एज वेल एज एक्चुअल परफॉर्मेंस. एंड नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. द फर्स्ट फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन इज इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स. ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना मतलब डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स के जो एफर्ट्स हैं उन्हें जोड़कर एक गोल को अचीव करने में हेल्प करना. डिफरेंट एफर्ट्स को, डिफरेंट एक्शंस को जोड़ना इज इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट्स. नाउ लेट अस रीड. कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रुप एफर्ट्स. जब बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं तब हमें उन लोगों की ऑब्जेक्टिव्स में, उनके एक्शंस में तालमेल बिठाने की नीड होती है.
when a person is working in isolation, that means when a person is working individually, तब उसे किसी और के साथ कुछ कोऑर्डिनेट करने की, जोड़ने की और उसको जोड़कर एक करने की नीड नहीं है. That means we require coordination whenever we are working in groups. Coordination is required for group efforts and not in individual efforts because no coordination is required when an individual works in isolation. But where more individuals work together, then there is a need to coordinate their individual efforts for achieving organizational goals. Different efforts को जोड़ना और उन्हें जोड़कर एक combined effort बनाना organization का is the first feature of coordination. Coming to the second feature, it unifies action, अलग अलग actions को एक कर देना. It ensures uniformity in action, कि सब एक ही तरह से काम करेंगे. Which act as a binding force between different departments and individual efforts for achieving common goals. And the third feature of coordination is it is a continuous process. Continuous means never ending. एक ऐसा process जो कभी नहीं रुक सकता. Coordination एक ऐसा process है जो कभी नहीं रुक सकता. ये प्लानिंग से स्टार्ट होता है और कंट्रोलिंग तक रहता है और बाकी जो फंक्शंस है मैनेजमेंट के, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, वहां भी हमें कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट हमेशा फील होती है, उसकी नीड हमेशा फील होती है. लेट अस रीड. इट इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस बट कॉन्टिन्यूस. It begins with planning and continues till controlling. Its need is felt at every function of management. Management के हर function में हमें coordination की requirement है. Coordination कभी भी नहीं रुकेगा because it is soul of management. Business को run करने के लिए management चाहिए और management की soul है coordination. Coming to the fourth feature of coordination, it is a pervasive function. Pervasive means coordination is present universally. It is present at all level of organization. It is present in different departments of organization. चाहे हम top level की बात करें, middle level की बात करें या lower level की, सभी departments को, सभी levels को आपस में coordinate करने की बहुत ज्यादा need है अगर वो चाहते हैं कि बिजनेस शुड रन स्मूथली, बिजनेस शुड रन विदाउट एनी क्योस. अगर आप चाहते हैं बिजनेस में डिस्टर्बेंसेस नहीं आए, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, डिफरेंट लेवल्स का आपस में कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी है. लेट अस रीड. इट इज अ परवेसिव फंक्शन, दैट इज इट इज यूनिवर्सल इन नेचर. दस इट इज नीडेड एट ऑल लेवल्स एंड इन ऑल डिपार्टमेंट्स. इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन there can be overlapping of activities. हो सकता है दो different department से भी काम कर रहे हो क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है. अगर वो आपस में बात करेंगे तो duplication of efforts को हम रोक सकते हैं और there can be chaos. अगर coordination नहीं होगा तो organization में chaos होगा. The fifth feature of coordination is it is a responsibility of all managers. Managers are there at top level, middle level as well as lower level. Although at top level they are usually the officer rank people, but it is very much important those who are working at top level also that they ensure ki jo organization ki policy hai, jo organization ki ultimate goals hai, they are implemented at both middle level as well as lower level. Coming to middle level, मिडिल लेवल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट शुड कोऑर्डिनेट विद बोथ टॉप लेवल एज वेल एज लोअर लेवल. दिस मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक्ट एज अ लिंकिंग पिन बिटवीन बोथ टॉप लेवल और मिडिल लेवल. तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन सेट करना, टॉप लेवल ने जो पॉलिसीज बताई हैं, जो रूल्स बताए हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, उन्हें कम्युनिकेट करना और उनका कोऑर्डिनेशन सेट करना लोअर लेवल के साथ,
ये मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का वर्क है. लोअर लेवल मैनेजर आर द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स. यूजली वी टॉक अबाउट सुपरवाइजर्स इन दिस. सुपरवाइजर्स आर द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स इन लोअर लेवल मैनेजमेंट और इनकी ये ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू चेक कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्शन एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट सबऑर्डिनेट वेदर दे आर यूजिंग देयर स्किल्स इन अ राइट वे फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. नाउ लेट अस रीड इट टूगेदर. इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर. कोऑर्डिनेशन का होना हर मैनेजर की जिम्मेदारी है, चाहे वो मैनेजर टॉप लेवल पे है, मिडिल लेवल पे है या लोअर लेवल पे है. इट इज रिक्वायर्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजर्स टू कोऑर्डिनेट विद देयर सबऑर्डिनेट्स टू इंश्योर ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन. एंड ओवर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट? पॉलिसीज, रूल्स. ओके, नाउ कमिंग टू सेकेंड पॉइंट. मिडिल लेवल मैनेजर्स they need to coordinate with the top level as well as lower level management. Lower level managers coordinate activities with worker so as to ensure that they work as per plans. Now coming to the sixth function, that it is a deliberate functional. Deliberate function means willfully, intentionally har manager ko coordination ko apni organization mein यूज करना चाहिए. रीजन इज दैट इफ यू आर कोऑर्डिनेटिंग, मान लो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेट तो कर रहे हो, सबके साथ तालमेल बिठा रहे हो, पर आप उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे तो आपके इम्प्लॉइज आपसे सेटिस्फाइड नहीं होंगे. और मान लो आप कोऑपरेट सबके साथ करते हो पर आप उनमें तालमेल नहीं बिठाते, उनके साथ कोऑर्डिनेशन ही नहीं करते, उस केस में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा there can be duplication of efforts, there can be overlapping of activities. Let us read it now. The sixth function is, it is a deliberate function. A manager has to coordinate the efforts of different people in a conscious and deliberate manner. Willfully, intentionally manager ki duty banti hai ki jo different individuals hain inki jitni bhi activities aur actions hain unko synchronize kare. कोऑपरेशन इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. कोऑपरेशन तो है पर कोऑर्डिनेशन नहीं है. दिस विल लीड टू वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स. और अगर मान लो एंड कोऑर्डिनेशन विदाउट कोऑपरेशन, यू आर कोऑर्डिनेटिंग बट विदाउट कोऑपरेशन, इट मे लीड्स टू डिससेटिस्फेक्शन अमंग एम्प्लॉइज. अगर आप अपने एम्प्लॉइज के साथ सभी डिपार्टमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का तालमेल बिठा रहे हैं बट वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑपरेट ही नहीं कर रहे, देन ऑल्सो द एम्प्लॉइज विल बी डिससेटिस्फाइड. नाउ लेट अस डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. द फर्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज ग्रोथ इन साइज. जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया, कोऑर्डिनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन वी आर वर्किंग इन आइसोलेशन. जब कोई इंडिविजुअल अकेला काम कर रहा है देन देयर इज नो नीड टू कोऑर्डिनेट. But as the organization grows, the number of individual in the organization increases, the departments are increasing, then it becomes very much important for the success of organization that there is coordination. Coordination ka hona bahut important hai agar aapki organization ka size increase ho raha hai. Reason is organization ke size ke badhne ke sath naye log aapki organization ke sath jud rahe hain, जिनके डिफरेंट एटीट्यूड्स हैं, जिनके डिफरेंट बिहेवियर्स हैं, जिनके डिफरेंट वेज हैं वर्क करने के. सो इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि इन डिफरेंट एरियाज को हम सिंक्रोनाइज करें फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. लेट अस रीड द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. ग्रोथ इन साइज. द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन अराइजेस व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज इन साइज, बिकॉज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन there are more number of people working together who may have different attitudes and ways of working. In order to bring coordination lane ke bahut important hai ki hum different goals wale logon ke jo efforts hain
उनको इंटीग्रेट करें और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करें. कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन विच इज फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन. फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट फंक्शंस हैं, लाइक डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जिनका डिफरेंट डिफरेंट काम है. देयर कैन बी प्रोडक्शन, देयर कैन बी सेल्स, देयर कैन बी फाइनेंस. और मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको एग्जाम्पल दिया था. अगर मान लो जो एग्जाम्पल मैंने दिया था वहां तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट में अच्छा कोऑर्डिनेशन था, तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस किया ताकि सेल्स डिपार्टमेंट अपने सेल्स को मैक्सिमाइज कर पाए. कीपिंग इन माइंड दैट इवन अमाउंट ऑफ ₹20 एज प्रॉफिट इज अर्न. तो तीनों डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन अच्छा था, बट अगर मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉस्ट रिड्यूस नहीं कर पा रहा या नहीं कर रहा, या फिर जो आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो प्राइस रिड्यूस कर सकता है, उसे ₹20 के मार्जिन की नीड नहीं है, तब भी वो अपना फंड रेज करने के लिए प्राइस हाई रख रहा है, जिससे सेल्स डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम आ रही है. अगर हर डिपार्टमेंट, हर फंक्शनल यूनिट सिर्फ अपने बारे में, अपने गोल के बारे में सोचेगा, इट विल लीड टू फाइट अमंग दीज डिपार्टमेंट, इट विल लीड टू क्योर्स. नो, लेट अस रीड द पॉइंट. फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन. द फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. दीज फंक्शंस इफ ट्राई टू वर्क इन आइसोलेशन देन इट मे लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट. कोऑर्डिनेशन सिंक्रोनाइजेस सच एक्टिविटीज एंड मेक देम मूव यूनिफॉर्मली इन वन डायरेक्शन. जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था वीडियो के बिगनिंग में कि किस तरह से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट ने यूनिफॉर्मिटी में काम किया एंड दे वर ऑल एबल टू अचीव देयर टारगेट्स. द थर्ड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज स्पेशलाइजेशन. जब एक ऑर्गेनाइजेशन मॉडर्नाइज होती है, टास्क डाइवर्सिफाई हो जाते हैं, टास्क मोर डिफिकल्ट हो जाते हैं, इन दैट केस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू रिक्रूट स्पेशलाइज्ड पीपल. और ये जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं, ये अपने आप को जरूरत से ज्यादा समझदार समझते हैं. ये ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करते हैं तो ये अपना पर्सपेक्टिव बहुत नैरो कर लेते हैं. ये सोचते हैं इन्हें सब आता है, दे कैन जज एवरीथिंग, दे कैन टेक डिसीजन ऑन एनीथिंग. सो रादर देन डिस्कसिंग ऑल द मटीरियल इन्फॉर्मेशन विद अदर्स हु आर वर्किंग विद देम, दे टेक द डिसीजंस ऑन देयर ओन. और जब वो ऐसा करते हैं तो जो सबॉर्डिनेट्स हैं और इवन जो पैरेलल लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, दे बिकम डिससैटिस्फाइड एंड समटाइम इट ऑल्सो लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट. तो अगर आप चाहते हैं, स्पेशलाइज हैं आप, वी अंडरस्टैंड दैट यू कैन गिव मोर इनपुट्स, बट डू टेक द इनपुट्स ऑफ दोज हु आर वर्किंग विद यू. एज वी ऑल नो, वन आइडिया इज आइडिया, बट वेन देर इज ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑफ टू मेनी आइडियाज, इट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ बेस्ट आइडिया. और अगर बेस्ट आइडिया आपको चाहिए तो आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा. लेट अस रीड दिस पॉइंट नाउ. As modern organization are characterized with high degree of specialization, modern organization को high degree of specialization की need है, which lead to complexities of modern technology. आप मैडम modern technology को भी use कर रहे हैं, आपकी जो task है वो भी diversify हो गए हैं. So you need number of specialists. There are number of specialists in an organization who thinks that they are only qualified to evaluate, to judge and decide. And in such a situation, they do not take advice from other members, which may lead to conflicts and dissatisfaction. And if organization wants to overcome this problem, then it is very much important that these specialists also coordinate with other members of the organization. I hope in this video, now we are able to understand the concept of coordination, coordination as an essence of management, features of coordination, as well as importance of coordination. If you really like my video, then please do subscribe. Thank you for watching this video.